गुड मॉर्निंग यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है? होप मज़े में होगे। सुबह के अभी बजे हैं, टाइम देख सकते हो 6 बजने वाले हैं। और 6 बजे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, 6 बजे तो नहीं, 6 से 9 के बीच में कभी भी एप्पल रिलीज़ कर सकता है अपने नए प्रोडक्ट। तो मैं आ गया हूँ स्टूडियो में ताकि आपके लिए जो वीडियो है जल्दी से जल्दी मैं बना पाऊँ। मैं नहीं चाहता कि मैं सोया हूँ जब एप्पल के नए प्रोडक्ट आए। तो आ गए हैं स्टूडियो में, अब वीडियो पे करता हूँ काम, मिलता हूँ आपसे वीडियो में। सुबह के 6 बज गए हैं और अभी तो कोई भी रिफ्रेश नहीं आया है, तो अब जो टाइम है वो होगा 8 बजे का। तो 2 घंटे अब वेट करना पड़ेगा। मैं स्टूडियो में हूँ, कंप्यूटर ऑन है, लाइटें लगी हुई हैं कि जैसे ही आए मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दूं, बट अभी टाइम लगने वाला है, तो आप भी मेरे साथ वेट करो। हाँ जी मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब? क्या आई होप मजे में हो गए। कुछ ही देर पहले मैं लाइव आया था और इससे पहले जो आपने वीडियोस देखी हैं आज सुबह की हैं, क्योंकि जो र्यूमर्स थे वो यही थे, जितने भी लीक्स थे वो ये थे कि आज सुबह 6 से लेकर 9 बजे के बीच में एप्पल प्रेस रिलीज के थ्रू एप्पल वॉच सीरीज 6 और उसके साथ आईपैड रिलीज करने वाला है। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, अभी सुबह के 9 बज चुके हैं, मैं बस वेट कर रहा था। और मैं पैसिफिक टाइम जोन में हूँ, तो पैसिफिक टाइम जोन के हिसाब से जब यहाँ पे 9 बजते हैं तो EST जो कि न्यूयॉर्क वाला टाइम जोन है वहाँ पे 12 बज चुके होते हैं। तो अभी कोई भी चांस नहीं है। फाइनल हो चुका है एप्पल का सेप्टेम्बर इवेंट, 15 तारीख को है इवेंट जो कि है नेक्स्ट ट्यूजडे सुबह 10 बजे। इंडिया टाइम की अगर मैं बात करूँ तो सुबह 10:30 बजे के आसपास हो जाएगा ये वाला इवेंट। आज सुबह 5 बजे उठना पड़ा, बट चलो कोई नहीं, वो नहीं हुआ तो इट्स ओके। बट सेप्टेम्बर इवेंट जो है वो फाइनली रिवील हो चुका है। अब हमें पता है कि कौन सी तारीख है, अब सारी चीज़ें फाइनल है, कोई भी लीक यहाँ पे नहीं है, एप्पल ने खुद कंफर्म किया है। तो 15 तारीख को है एप्पल का इवेंट। और अब सबसे पहली चीज, अगर आप लोगो देखोगे एप्पल इवेंट के अंदर तो यहाँ पे ब्लू कलर आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है। और जितने भी लीक्स हमने पहले सुने हैं उनके हिसाब से एप्पल आईफोन्स में और यहाँ पे जो हमारी एप्पल वॉच है उसमें हमें मिलने वाला है ब्लू कलर। तो ये चीज़ इस लोगो से कंफर्म हो चुकी है कि ब्लू कलर तो डेफिनेटली आ रहा है। तो आप मुझे बताओ कमेंट्स में, आप ब्लू कलर का आईफोन लोगे या नहीं? मैं तो नहीं लेने वाला। और अभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है वो बढ़ गई है। पहले मैंने सोचा था वीडियो नहीं बनाता हूँ, बट जैसे ही एप्पल ने प्रेस रिलीज अनाउंस किया इवेंट के लिए तो मैं एक्साइटेड हो गया। अब इवेंट तो रिलीज हो गया है और यहाँ पे कुछ जो लीकर्स हैं, वैसे तो आज जो हुआ है उसके बाद लीकर्स पे विश्वास नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। और आज तो जॉन जो है उसके भी जो प्रेडिक्शंस थे, वो उसके भी जो लीक्स थे वो काफ़ी हद तक गलत हुए हैं। और अब आते हैं नए लीक पे। जो नया लीक है वो ये है कि इवेंट जो हो रहा है इसमें आईफोन की बात नहीं होगी, बट ये थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि यहाँ पे जो थीम है वो ब्लू थीम है। और लीकर्स के हिसाब से यहाँ पे सिर्फ एप्पल बात करने वाला है आईपैड, एप्पल वॉच और एयरपॉड स्टूडियो के बारे में, 3 डिवाइसेज हैं, इसके अलावा बात नहीं करेगा। बट मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि लीकर्स पे मैं विश्वास नहीं करता हूँ। और ऐसे पैंडमिक वाले टाइम पे मुझे नहीं लगता एप्पल 2 या 3 इवेंट रखेगा डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेज के लिए। मेरे हिसाब से एक ही इवेंट होगा जहाँ पे एप्पल सारे डिवाइसेस की बात करेगा। और कौन कौन से डिवाइसेस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसकी बात करते हैं। और अगर ये र्यूमर भी सही है तो ये 3 डिवाइसेस पहले आ जाएंगे, इसके अलावा जो डिवाइसेस की मैं बात करने वाला हूँ वो आएंगे बाद में एक सेकेंड इवेंट में। अब देखते हैं क्या सही होता है, आप बताओ आपको क्या लगता है, 1 इवेंट होगा या 2? अब बात करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो आईफोन्स, यहाँ पे 4 नए आईफोन इस साल आने वाले हैं, आईफोन 12 5.4 इंच, आईफोन 12 मैक्स जहाँ पे हमें मिलेगी 6.1 इंच की स्क्रीन। उसके बाद आएंगे 2 प्रो सीरीज के फोन, आईफोन 12 प्रो, आईफोन 12 प्रो मैक्स। पहले में हमें मिलेगी 6.1 इंच की स्क्रीन जो कि बड़ी है पहले वाले 11 प्रो के मुकाबले में। यहाँ पे 11 प्रो में हमें मिलती थी 5.8 इंच की स्क्रीन, बट अब 12 प्रो में हमें मिलेगी 6.1 इंच की। और उसके बाद आएगा सबसे बड़ा फोन जिसका स्क्रीन साइज और ज्यादा बढ़ गया है। अभी जो हमारा 11 प्रो मैक्स है यहाँ पे स्क्रीन मिलती है 6.5 इंच की, बट 12 प्रो मैक्स में हमें स्क्रीन मिलने वाली है 6.7 इंच की। 120 हर्ट्ज होगा या नहीं अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, सारी जो डिटेल्स है वो हमें पता चलने वाली है 15 तारीख को जब सुबह होगा इवेंट। आईफोन्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो मैंने काफी सारी चीजें कवर की हैं लीक्स के ऊपर, आपने वीडियोस नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में है लिंक, आप चेक कर सकते हो। बट यहाँ पे जो नए लीक्स हैं वो ये कह रहे हैं, एक्चुअली नए नहीं है पहले भी आए थे, कि जो 6.1 इंच वाले मॉडल है पहला होगा आईफोन 12 मैक्स जहाँ पे 6.1 इंच की स्क्रीन मिलेगी, उसके बाद होगा आईफोन 12 प्रो उसमें भी हमें 6.1 इंच की ही स्क्रीन मिलेगी। अब ये जो 2 फोन है ये होंगे अक्टूबर में रिलीज, ऐसे लीक्स हैं कि पहले 6.1 इंच वाले फोन आएंगे और उसके बाद नवंबर में हमें जो 5.4 इंच वाला आईफोन 12 मिलेगा और उसके साथ 6.7 इंच वाला आईफोन 12 प्रो मैक्स।
ये दोनों फ़ोन हमें मिलेंगे नवंबर में। ऐसे लीक्स अभी फिर से आना स्टार्ट हो गए हैं, काफ़ी टाइम पहले भी हमने ये चीज़ें सुनी थी। जितनी भी कंफर्मेशन है वो हमें मिलने वाली है सितंबर इवेंट में। उसके बाद आते हैं एप्पल वॉच पे, क्योंकि एप्पल वॉच डेफिनेटली आने ही वाली है। मैं अभी सीरीज 5 यूज़ कर रहा हूँ, सीरीज 6 में हमें ज़्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। जो दो तीन चीज़ें नहीं मिलेंगी, पहला होगा यहाँ पे ऑक्सीमीटर, जिससे आप अपनी ऑक्सीजन वगैरह मॉनिटर कर सकते हो। कुछ नए हेल्थ फीचर्स मिलेंगे जहाँ पे मेंटल हेल्थ के ऊपर होगा फोकस। और यहाँ पे ये जो फिजिकल बटन है, इसकी जगह पे हमें हैप्टिक टच वाला बटन मिलेगा। जैसे 6S के बाद 7 में हमें वो जो बटन है वहाँ पे वो ओरिजिनल बटन नहीं था, बट जब हम उसको प्रेस करते थे तो ऐसा ही फीडबैक आता था जैसे आप रियल बटन को दबा रहे हो। तो कुछ वैसे ही बटन हमें एप्पल वॉच सीरीज 6 में मिलेगा। और अगर आप मेरे से पूछोगे कि एप्पल वॉच सीरीज 6 के ऊपर जाना चाहिए, तो मैं कहूँगा नहीं यार, इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। सीरीज 4 जो अभी है वो एक बहुत अच्छी डील है और आप लोगों का भी वेट करना चाहिए। आईफोन्स के लिए भी अगर आप लेने का सोच रहे हो तो वेट करो, इवेंट पूरा हो जाने दो। जब एक बार नए फोन्स आ जाएंगे तो पुरानी जितनी भी चीज़ें उनके प्राइस थोड़े कम भी जाएंगे और आपको पता भी चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी बेटर डील होने वाली है। तो आपको थोड़ा सा वेट अभी करना चाहिए। अब एप्पल वॉच और आईफोन्स के बाद आते हैं हम लोग आईपैड्स के ऊपर। दो नए आईपैड्स के र्यूमर है। पहला है आईपैड 8th Gen, जो कि इनका बेसिक आईपैड है 8th Gen। 8th Gen के साथ ही यहाँ पे आने वाला है आईपैड एयर 4, जिसका काफी टाइम से रिफ्रेश जो है वो पेंडिंग है। तो दो नए आईपैड होंगे, 8th Gen और आईपैड एयर 4। और आईपैड एयर 4 के बारे में जो लीक्स है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है कि फेस आईडी नहीं मिलेगी, यहाँ पे टच आईडी मिलेगी। और ये जो टच आईडी होगी ये इनबिल्ट होगी पावर बटन के अंदर ही। ऐसा एप्पल ने कभी भी नहीं किया, तो अगर ऐसा होता है तो काफी कमाल की चीज है। का जो डिजाइन है जो आपको मिलने वाला आईपैड प्रो जैसा, तो अगर ऐसा होता है तो कमाल होने वाला है। प्राइस अभी जो लीक्स के हिसाब से है वो है $629। तो काफी इंटरेस्टिंग प्राइस रेंज भी है। जो भी होगा, जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे सबकी अनबॉक्सिंग रिव्यू आपको चैनल के ऊपर डेफिनेटली मिलने वाला है। और इसके बाद अब आते हैं मैक्स के ऊपर। एप्पल अपने दो मैकबुक रिलीज करने वाला है, ऐसा लीक्स हैं। ये सारी चीज़ें लीक्स हैं, अभी कंफर्मेशन नहीं है। इतना तो हमें पता है कि नए जो ARM मैक्स हैं वो आने वाले हैं। और जो एक चीज़ कंफर्म है कि जो 13-inch मैकबुक प्रो है उसका अपडेटेड वर्जन हमें मिलेगा। ARM चिप होगी जहाँ पे एप्पल के अपने बनाए हुए प्रोसेसर, तो देखते हैं। और उसके साथ ही जो दूसरा लीक है वो ये है कि मैकबुक एयर जो है उसको एप्पल डिसकंटिन्यू कर देगा, उसकी जगह पे हमें मिलेगा 12-inch मैकबुक, जो कि थोड़े टाइम पहले आता था और इतना ज़्यादा फेमस नहीं था। और अगर आप मेरी मानो तो वो रहने ही दो, अगर आपको लेना ही है तो एटलीस्ट 13-inch वाला मैकबुक प्रो लो। अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूँ तो मेरे हिसाब से अभी हम लोगों को ARM मैक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन होती है किसी भी चीज़ की, मैं उसको थोड़ा सा दूर ही रखता हूँ, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में हमेशा कमियाँ होती हैं। तो ये मेरा फीडबैक है। अब मैकबुक के बाद आते हैं कुछ और चीज़ों पर। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पे, जो कि है AirPods Studio। यहाँ पे जो ओवर द हेड हेडफोन्स होते हैं बड़े, उनके र्यूमर्स काफ़ी टाइम से हम लोग सुन रहे हैं। $350 होगा प्राइस, यहाँ पे कोई भी बटन नहीं होगा, पिक्चर आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो कुछ ऐसे लीक्स हैं कि AirPods Studio भी आने वाले हैं। उसके अलावा आने वाला है यहाँ पे ब्लूटूथ ट्रैकिंग डिवाइस, जिसका नाम होगा AirTags। AirTags के बारे में हम लोग काफ़ी टाइम से सुन रहे हैं, काफ़ी बार iOS के अंदर इसके कोड्स वगैरह भी निकाले हैं डेवलपर्स ने, बट अभी तक तो रिलीज़ नहीं हुआ। बट अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली AirTags जो है इस सितंबर इवेंट में हमें देखने को मिलेंगे। प्राइस क्या होगा अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, $30 से लेकर $100 के बीच में एक डिवाइस का हो सकता है। अगर आपको नहीं पता ये क्या चीज़ है, तो बेसिकली छोटे छोटे डिवाइसेस होंगे जिनको आप अपने फ़ोन के ऊपर चिपका सकते हो, कीरिंग के साथ अटैच कर सकते हो, वॉलेट के अंदर रख सकते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आप हमेशा खोते रहते हो, चाहे वो कीज़ हो, तो उस चीज़ को ढूंढने में आपकी AirTags काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। और इसके अलावा जो एप्पल वॉच SE है उसको लेकर भी काफ़ी र्यूमर्स हैं, बट वो अभी नहीं, वो मार्च 2021 में रिलीज होगी। और अभी के लिए यही है सारे लीक्स जो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एप्पल इवेंट में। आप मुझे बताओ आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हो, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं इस इवेंट के लिए। आज भी सुबह से वेट कर रहे थे बट कोई भी प्रोडक्ट नहीं आया। बट चलो, प्रोडक्ट नहीं आया तो क्या हुआ, रिलीज डेट तो आ गई है। अब आपके कमेंट्स का मुझे रहेगा इंतजार। वीडियो को करता हूं खत्म, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से करो सब्सक्राइब, क्योंकि सारे ही प्रोडक्ट्स इस चैनल पे आपको देखने को मिलेंगे, अनबॉक्सिंग रिव्यू सारी चीज़ें आ रही हैं। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।